नेक्स्ट uh, क्वेश्चन 2005 का सवाल है इट सेज इफ द डेंसिटी ऑफ अ स्मॉल प्लैनेट इज द सेम एज दैट ऑफ अर्थ वाइल द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज़ पॉइंट टू टाइम्स दैट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन द सर्फेस ऑफ दैट प्लानट वो हमें बताना है क्या होएगा। हमारे ऑप्शन है पॉइंट टू जी जी या पॉइंट फोर जी या फिर फोर जी सिंपल सवाल है ये अपने को पता है कि ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल एक्सलेशन छोटा जी उसको हम लिखते हैं जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एम इज़ मास ऑफ द प्लानिट एंड आर इज रेडियस ऑफ द प्लानिट तो हमें यहाँ पे डेंसिटी से कंपेयर करना है दूसरे प्लानट की तो इसको डेंसिटी uh, के टर्म में अगर लिखेंगे तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम सो इट विल बिकम जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय फोर पाई बाय थ्री आर क्यूब सो so, आपके g की वैल्यू हो गई फोर बाय थ्री पाए रो g r सो so, बाकी सारे तो कांस्टेंट है ये आपका g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r के दिस व्हाट वी कैन से इस वाले केस में हमें दिया हुआ है कि जो दूसरा प्लानट है उसकी डेंसिटी सेम है लेकिन उसका रेडियस आपका पॉइंट टू टाइम्स है सो हम ये कह सकते हैं uh, इस प्लानट के लिए जी ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय जी अर्थ पे जो है दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लानट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि जी जी ऑन दिस प्लेनेट विल बी इक्वल टू इसका रेशियो अपने को 0.2 दिया है मल्टीप्लाइड बाय जी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए पॉइंट जी वुड बी द राइट आंसर